हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। ये देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा बेस, और स्टफिंग के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और कांदा। और इसमें आप गाजर और आपकी जो भी मनपसंद सब्जियां हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिल्ली सॉस, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालो वरना नहीं। और पिज़्ज़ा सॉस पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए। हम सब्जियों को बस थोड़ा सा थोड़े से तेल में फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करना है, लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे सॉरी। थोड़ा सा नमक ऐड करें इसमें, फिर इसको अच्छे से मिक्स करें। इसका बस कच्चापन निकलना चाहिए, इसलिए हम इसे ऐसे थोड़ा सा तेल में फ्राई करें। फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस आधे चम्मच के करीब, ऑप्शनल है आप डाल सकते हो, अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो ज़्यादा तीखा ना बनाएं। और थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, फिर इसको अच्छे से घुमा लें। फास्ट गैस पे ही करें इसको बस, क्योंकि थोड़ा सा ही इससे सब्जियों का मीन्स कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। अब ये चलो, अब हम ये बन चुकी है। आप इसमें रखेंगे नॉनस्टिक की पैन, या आपके पास अगर साझा तवा है एलुमिनियम का तो वो भी रख सकते हो। इसे मैंने धोया था इसीलिए ये गीला है अभी। मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, ब्लैक पेपर वाइट पेपर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो यूज़ करो वरना नहीं। और ये है मोज़रेला चीज़, अभी पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और ये बेस जो है इसे थोड़ा सा सेक लेंगे दोनों साइड से थोड़ा। वैसे आप ऐसे भी बना सकते हो लेकिन थोड़ा क्रंची अच्छा लगता है ज़रा सेकने से, इसलिए इसको आप ऐसे ज़रा पहले सेक लेना बेस को। ये सीख चुकी है, अब हम इस पे डालेंगे स्टफिंग। पहले डालेंगे टॉपिंग पिज़्ज़ा सॉस, ये सॉस आप घर में भी बना सकते हो, मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ में। इसको ऐसे फैला दें, फिर ब्लैक पेपर डालें, फिर वाइट पेपर थोड़ा सा ऑप्शनल है,
फिर इस पर हम डालेंगे चीज़। इसे ग्रेट करके डालना चीज़ को, फैलाकर अच्छे से, और चीज़ अच्छे से डालना क्योंकि पिज़्ज़ा का टेस्ट चीज़ से ही आता है। फिर हम डालेंगे स्टफिंग जो बना के रखी थी हमने, फिर इसको फैलाएंगे अच्छे से। फिर स्टफिंग के बाद में थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डालना। फिर हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है। बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे बना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।